हेलो गाइस, मैं हूं जय चौधरी। तो ये भाई मारुति की इको का सीएनजी वेरिएंट और 5 सीटर में ये आती है। और ना आपने इको का ये कलर कॉम्बिनेशन शायद ही देखा होगा, क्योंकि भाई आपको इसका बम्पर अलग दिख रहा होगा। बम्पर इसका शोरूम पर पेंट करा गया है ग्रे कलर में। एसरीज का पार्ट है, 15,000 में आप भी ऐसा करवा सकते हो। और अभी मैं आया हूँ उज्जैन में युग कास पर। और भी कुछ आपको जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी भाई मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है, आपको कैसा क्या लगा? और भी इसमें कुछ एसरीज लगी हुई है, सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट से देखते हैं तो ऐसा कुछ गाड़ी का लुक है। और लाइट्स देखें तो हेलोजन लाइट्स का सेटअप है, इंडिकेटर भी हेलोजन बल्ब में ही है। और फोगलेम तो इसमें नहीं मिलते हैं, बीच में सुजुकी का लोगो है। और ऐसे कुछ गाड़ी की ग्रिल देखने को मिल जाती है। और ये बम्पर का तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्रे कलर में इसको पेंट करा है। ब्लैक की जगह ये ग्रे कलर का बम्पर सही लग रहा है, पूरे चारों तरफ आपको यही देखने को मिलेगा। तो अब साइड से अपन गाड़ी को देखते हैं और टायर्स देखें तो इसमें 13 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। और टायर साइज है 155x65। और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पर पीछे के टायर में ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे। यहाँ फेंडर पर इंडिकेटर है और ORVM भी इसके ग्रे कलर में पेंट करे हैं। डोर हैंडल्स पर भी पेंट करा है, बढ़िया लग रहे हैं। और स्टिकर तो इसमें आता ही है, पूरा पीछे तक है। और यहाँ से पेट्रोल डलता है, 65 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और दूसरी साइड से CNG डलती है। और ये फूड स्टेप इसमें लगा रखा है, एसरीज का पार्ट है। यहाँ इको स्टार की बेजिंग है और ये डोर वाइजर भी एसरीज का ही पार्ट है। और अब पीछे से भी गाड़ी को देख लेते हैं तो यहाँ भी हेलोजन में ही टेल लाइट्स मिलती है। यहाँ पर इको की ब्रांडिंग है, यहाँ सुजुकी का लोगो है, यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। और डिफोगर तो इसमें नहीं मिलता है। और ऊपर स्टॉप लैम्प है, यहाँ पर CNG की ब्रांडिंग है। बाकी गाड़ी में 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और पीछे से भी आप बम्पर का लुक देख सकते हो। और अब बूट देख लेते हैं तो ये रही भाई CNG टैंक। 20 के आसपास आपको माइलेज मिल जाएगा CNG में। फिर यार भाई आजकल तो CNG भी इतनी महंगी हो गई है। बाकी टैंक को पूरा जाली से कवर कर रखा है, अच्छी बात है, सामान वगैरह रखने में आपको सही रहेगा। बाकी CNG टैंक होने के बाद भी बूट स्पेस बढ़िया मिल रही है, नहीं तो कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि CNG टैंक जो है वो बूट स्पेस खा जाता है। पर इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं खा रहा है, अच्छी बूट स्पेस मिल रही है। और वैसे ये गाड़ी 5 सीटर है। गाड़ी की चाबी देखें तो इसमें कुछ खास नहीं है, 2 फिजिकल कीज मिल जाती हैं। तो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, बाहर जो गाड़ी खड़ी है इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं। अंदर जो गाड़ी खड़ी है ना उसका इंटीरियर ढंग से दिख नहीं रहा था यार, क्योंकि सामने से लाइट आ रही थी, फिर आपको देखने में मज़ा भी नहीं आता। बाकी दोनों एक ही गाड़ी है, एक ही वेरियंट है। तो डोर ट्रिम पर देखें तो कांच चढ़ाने उतारने के लिए मिल जाता है, घुमा घुमा कर ही आपको काम चलाना पड़ेगा। और ऐसे कुछ इसमें डोर लॉक करने के लिए दे रखें। और ORVM भी फोल्ड और एडजस्ट दोनों आपको हाथ से करने पड़ेंगे। और यहाँ देखें तो एक ऐसी वेंट है, यहाँ से आप फ्यूल शिफ्ट कर सकते हो, CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG। और यहाँ पर हेडलैम्प लेवलर दे रखा है, नीचे बोनट ओपन करने के लिए मिल जाता है। और ये की रिंग। और ऐसा कुछ डैशबोर्ड का लुक है, डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है। और ये स्टीयरिंग व्हील पावर स्टीयरिंग है, इस पर लेदर कवर चढ़ा रखा है, एसरीज का पार्ट है ये। और बीच में सुजुकी का लोगो है, यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स है, यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स है। और क्लस्टर देखें तो सिंपल सा देखने को मिलता है, बीच में स्पीडोमीटर है, साइड में आपको फ्यूल किलोमीटर वगैरह और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और हेजार्ड लैम्प का बटन इसमें यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर देखें तो 2 ऐसी वेंट्स है, ऐसे कुछ इसमें मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इसमें म्यूजिक प्लेयर तो नहीं मिलता, पर इसमें लगा रखा है, आप भी बाद में लगवा सकते हो। यहाँ पर कुछ स्पेस वगैरह दे रखी है, टॉयलेट का सॉकेट है, और नीचे भी आपको स्पेस ही स्पेस दे रखी है। और ये गियर 9 5 गियर्स मिल जाते हैं। और ये हैंड ब्रेक और सीट रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पर लीवर दे रखे हैं, अभी आपको करके दिखाते हैं। ये तो अपन ने आगे कर दी, पीछे भी हो जाएगी। वो तो सनवाइजर के यहाँ पर देखें तो कुछ भी नहीं मिलता है। और मैनुअल एडजस्टेबल IRVM है। और केबिन लैम्प मिल जाता है हेलोजन में। और इधर भी कुछ भी नहीं दे रखा है, बाकी ग्रे हैंडल है। और यहाँ पर देखें तो एक ऐसी वेंट है। और ग्लव बॉक्स में देखें तो बढ़िया स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर एयरबैग की बैजिंग है, गाड़ी में 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। बाकी ये देखो भाई, ये भी CNG वाली है, बाकी बूट स्पेस तो आपको दिखाई दिए। और सीट्स की बात करें तो इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में सीट्स मिलती है, फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। और सीट का कंफर्ट भी ठीक लगा, बाकी इसमें फुल लेदर कवर्स चढ़ा रखे हैं, ये भी एसरीज का ही पार्ट है। तो अपनी अंदर वाली गाड़ी पर अपन वापिस आ गए हैं, सेकेंड रो में चलते हैं। डोर इसका ऐसे स्लाइड होता है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है खोलने के लिए। और सेकेंड रो के सीट कवर्स आप देख सकते हो, फुल ब्लैक कवर से। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ड्राइवर सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, 5'9" है मेरी हाइट। तो लेग रूम अच्छा खासा मिल रहा है, थाई सपोर्ट भी ठीक है, और हेडरूम भी बढ़िया मिल जाता है।
तीन लोग भाई यहाँ बड़े आराम से बैठते हैं, काफ़ी स्पेस है और दो फिक्स्ड हेडरेस दे रखे हैं। और कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा कि यहाँ बीच में ना उठा उठा सा रहता है, पर इसमें बिल्कुल नहीं है, तो बीच वाला बंदा भी आराम से बैठेगा। और यहाँ भी आपको हाथ से घुमा घुमा कर कांच चढ़ाने उतारने पड़ेंगे। बाकी मिरर की साइज अच्छी खासी बड़ी है और यहाँ पर केबिन लैम्प है, ग्रेब हैंडल है और पीछे के नज़ारे तो आपको मैंने बता ही दिए हैं। और अब इंजन की बात कर लेते हैं, तो गाड़ी में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर के साथ में पेट्रोल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 62 bhp की पावर और 85 nm का टॉर्क। और माइलेज गाड़ी देती है 20 के आसपास सीएनजी और पेट्रोल दोनों में, तो माइलेज भी इसका ठीक है। गाड़ी का बोनट तो भाई ज़्यादा भारी नहीं लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो क्या ही कहें, मारुति की जैसी दूसरी गाड़ियों में आती है वैसी इसमें लग रही है। बाकी सेफ्टी फीचर्स वगैरह हैं जैसे 2 एयरबैग्स, ABS, EBD वगैरह। और अब प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 5.94 लैक्स और ऑन रोड आपको पड़ेगी 6.92 लैक्स के आसपास। ये उज्जैन मध्य प्रदेश की प्राइस है, हर जगह प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है। बाकी इसमें जो भी एसरीज लगी है उनकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बम्पर का तो मैंने आपको बता ही दिया था, 15,000 में आप ऐसा करवा सकते हो। और बाकी जो इसमें एसरीज लगी हुई है जैसे सीट कवर्स, म्यूजिक प्लेयर, फुट स्टेप, डोर वाइजर वगैरह, सबको मिलाकर 24 से 25,000 की एसरीज इसमें लगी हुई है। बाकी और भी कुछ जानकारी के लिए आप यूकास पर कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो ये थी भाई मारुति की इको। आपको ये गाड़ी कैसी लगी? कमर्शियल यूज़ के लिए तो ये बढ़िया गाड़ी है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है और फैमिली यूज़ के लिए भी आप इसे ले सकते हो। मुझे तो इसका एक कलर कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया लगा, सिल्वर कलर के साथ में ग्रे कलर का बम्पर गाड़ी को मस्त लुक दे रहा है। बाकी आपको कैसा क्या लगा? तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं भाई, चैनल भी सब्सक्राइब जो कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।